नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2020 के लिए जो हमारा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का सब्जेक्ट है और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का सब्जेक्ट है, दोनों ही सब्जेक्ट का पूरा कोर्स हम आपको 8 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका आखिरी पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 8। इससे पहले हम 7 पार्ट देख चुके हैं। पिछला 7वां पार्ट आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सुपर फास्ट रिवीजन या फास्ट रिवीजन नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन डीवी के बारे में। तो जॉन डीवी के बारे में सबसे पहले जल्दी से सभी लोग बताइए कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ था। जॉन डीवी का जन्म है वो कब हुआ था और मृत्यु, तो जन्म की बात करें तो 1859 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1952 में। जन्म मृत्यु दोनों चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रश्न मैंने आपको पहले बताया मारिया मोंटेसरी के संबंध में पूछा जा चुका है कि वो कहाँ की थी, तो स्थान के साथ साथ समय भी पूछा जा सकता है। और बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बर्लिंगटन वर्मोंट संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है, तो वहां पर इनका जन्म जो है वो हुआ था। इनकी पुस्तकें बहुत ज्यादा फेमस हैं जो पूछी भी जाती हैं, और इन्हीं पुस्तकों में से ही पिछले वाले वीडियो में मैंने एक पुस्तक आपसे भी पूछी थी, उसका नाम था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ DNE, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, जिसको आपको एकदम रट के रखना है। और दूसरी इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है द स्कूल ऑफ सोसाइटी। ये दोनों इनकी पुस्तक हैं जिनका नाम आपको रटा होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक पर आधारित आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। अब इनके अनुसार अगर बात करें किस प्रकार से आप परिभाषित करेंगे विद्यालय या शिक्षा के संबंध में, तो विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, ये इनका जो है वो मत था या इनके अनुसार जो है वो था क्या कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। इतनी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में केवल इतनी चीजें याद रखिए। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बाकी डिटेल में आप पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके फ्रोबेल। फ्रोबेल के बारे में बात करते हैं। फ्रोबेल जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे इनका जन्म 1782 में जो है वो हुआ था। और इन्होंने, अच्छा एक प्रश्न यहाँ से भी तो पूछा जा सकता है कि कहाँ के थे, तो आप कहेंगे जर्मनी के जो है वो शिक्षा शास्त्री थे। अब इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं जो पूछी जाती हैं, तो सबसे पहली पुस्तक है द एजुकेशन ऑफ मैन। मैं जितनी यहाँ पर पुस्तक बता रहा हूँ उनमें से किसी को भी ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर गिनी चुनी ही बता रहा हूँ जो कि आपको पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। द एजुकेशन ऑफ मैन या मानव की शिक्षा भी आप कह सकते हैं। और एक और पुस्तक याद रख सकते हैं, वो है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। तो दो ही पुस्तक आप ध्यान रखिए, ज़्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आएगी अगर डायरेक्ट पुस्तकें लिखें तो ये दो पुस्तकें आप लिख सकते हैं, द एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरी पुस्तक आपकी मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। अब एजुकेशन ऑफ मैन जो है पुस्तक, इसके बारे में एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 1816 में जो है ये पुस्तक आई थी, परंतु अगर बात करें प्रकाशन की, तो प्रकाशन जो है वो 1826 में जो है वो हुआ था। इसके साथ ही साथ 1837 में, यानी कि 1837 में ब्लैंकनबर्ग में विद्यालय जो है इन्होंने कह सकते हैं खोला था, और बाद में 2 साल बाद इसके यानी कि 1839 में बालोद्यान नाम जो है वो दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं किंडर गार्डन। और किंडर गार्डन जो है आपका वो जर्मनी शब्द है, पर ये जो आपका बालोद्यान है वो आपका हिंदी शब्द है, तो ये खुद जर्मनी से बिलोंग करते हैं, मैंने ऊपर ही बताया था आपको, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनके बारे में डिटेल में है, हो गई, मतलब कि जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सब मैंने बता दी। अब बात करते हैं क्या इनके में, इनके अनुसार सिलेबस या पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, तो केवल 4 पॉइंट की हम बात करेंगे। पहला पॉइंट होगा धार्मिक तथा धार्मिक निर्देश, पहले में क्या आएगा धार्मिक तथा धार्मिक निर्देश। दूसरा आपका होगा
प्राकृतिक विज्ञान, शॉर्ट में चलिए मैं लिख भी देता हूँ, प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित। पहले में क्या था आपका? धार्मिक प्रथा, धार्मिक निर्देश। तीसरे में क्या है? भाषा। चौथे में क्या है? कला। इस टाइप की सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये जो है वो आपके चार पाठ्यक्रम के रूप में आप प्रोबल के संबंध में लिख सकते हैं। तो इसमें इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं मारिया मोंटेसरी के बारे में। ये आपको ध्यान से समझना है कि मारिया मोंटेसरी में काफी चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। मारिया मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी सबसे पहले आपकी बात करें सन तो 1870, जन्म कहाँ? तो इटली। यही इटली वाला ही प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और इसी को लेकर मैंने आपको जितने भी यहाँ पर मनोवैज्ञानिक या विचारक आए उनके सभी के जन्म और साथ साथ उनका जो स्थान था वो इसीलिए मैंने सभी के बता दिए, क्योंकि अगर ये पूछा जा चुका है तो और भी पूछा जा सकता है। अब इनकी जो शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी या किस प्रकार के छात्र को लेकर थी? तो आप कहेंगे मंदबुद्धि एवं असाधारण बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा, असाधारण बच्चों की शिक्षा, ये आप इसमें लिख सकते हैं। और जो आपकी मारिया मोंटेसरी हैं ये एक चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री दोनों के रूप में ही जानी जाती हैं, और इन्हीं के नाम से शिक्षा की जो मोंटेसरी पद्धति आपने अवश्य पढ़ी होगी वो भी काफी फेमस है। उनकी जो शिक्षा पद्धति है वो आप देखेंगे बहुत से विद्यालयों में भी प्रचलित है। ये नॉर्मल नॉर्मल से सारी चीजें हो जाएंगी। अब ये बात करते हैं कि इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ जो है वो क्या है? शिक्षा का अर्थ, तो अर्थ की बात करें तो इनके अनुसार मानना था कि बालक के जीवन के स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सक्रिय सहायता जो है उसी को शिक्षा कहते हैं। तो ये इनके अनुसार शिक्षा थी। इन्होंने शिक्षा की आयु वर्ग जो है उसको भी बताया था, शिक्षा आयु वर्ग, जिसमें अगर बात करें तो 3 से 7 वर्ष। तो इन्होंने अलग अलग आयु वर्ग में भी बांटा था जो कि आपका 3 से 7 वर्ष हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर मैंने लिखा है मंदबुद्धि और जो असाधारण बालक हैं उनके लिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक अलग अलग कार्य भी जो है वो इन्होंने निर्धारित जो है वो किए थे, विभिन्न कार्य भी जो है वो निर्धारित किए थे। इसके साथ साथ ही विद्यालय एक घर के समान है ये इन्होंने कहा था, और इसलिए इन्होंने जो विद्यालय उसको बाल घर की संज्ञा भी दी है, इसलिए बाल घर जो है इन्होंने कहा। और यदि बात करें जो आपका टाइम टेबल होता है या समय सारणी आप कह सकते हैं, तो इसके संबंध में जो मारिया मोंटेसरी थी इन्होंने किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं लगाई, क्योंकि इनका मानना था कि बालक स्वतंत्रता पूर्वक विकास जो है वो कर सकता है। और वीडियो पसंद आ रहा हो सभी को, चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं सातों तो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में हेल्प डेफिनेटली करेंगे। क्योंकि मैंने सभी जितने भी आपके टॉपिक हो सकते हैं उनको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिए हैं। मारिया मोंटेसरी की बात करें तो इनके बारे में एक और लास्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि 1939 में, कब? 1939 या 1939 में थियोसोफिकल जो सोसाइटी है उसके निमंत्रण जो है उनके बुलाने पर, या कह सकते हैं उनके निमंत्रण पर जो मारिया मोंटेसरी है वो भारत आई थी। तो ये भी आपको एक सन छोटा सा याद होना चाहिए। अब बात करते हैं जो मारिया मोंटेसरी हैं इनकी शिक्षण विधि की। तो ये सारी चीजें रफ कर देते हैं। शिक्षण विधि,
मारिया मोंटेसरी की शिक्षण विधि बताइए। इस टाइप से डायरेक्ट भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट होंगे, टोटल 6 पॉइंट हैं। उनकी पॉइंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होगा आपका आत्म विकास का सिद्धांत, दूसरा आपका होगा ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, तीसरा आपका होगा स्वतंत्रता, चौथा होगा आपका व्यक्तित्व विकास, पांचवा आपका होगा मांसपेशियों का प्रशिक्षण और छठा आपका होगा खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। तो मारिया मोंटेसरी शिक्षण विधि की अगर बात करें तो ये 6 बिंदु इनके अनुसार होंगे। और शिक्षण सिद्धांत जो है उसके अनुसार जो शिक्षण विधियां होती हैं उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा था। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं, शिक्षण सिद्धांत इसके अनुसार जो शिक्षण विधि है उसको 3 भागों में जो है वो बांटा था। एक था आपका कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा था आपका ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और तीसरा था आपका भाषा तथा गणित की शिक्षा। शॉर्ट में मैंने सारी चीजें लिखी हैं पर बोल भी रहा हूं मैं साथ में, तो इसलिए आपको याद भी रखना है। और ये जो तीनों आप पॉइंट देख पा रहे हैं इसमें अलग अलग जो है वो बातें भी बताई गई थी। देखिए कर्मेंद्रियों की शिक्षा मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो 3 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निर्धारित की गई थी। और इसमें कपड़े पहनना, दैनिक जीवन के कार्य करना, ये सारी चीजें कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर आधारित थी। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में आपका इंद्रिय जो अनुभव होता है वही बालक की शिक्षा का मुख्य आधार या शिक्षा का आधार होता है, ये ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में बताया गया है। और भी बहुत से पॉइंट हैं पर अगर मैं इतना ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो आप सारी चीजें भूल जाएंगे, इसलिए मेन मेन ध्यान रखिए। तीसरा आपका होता है भाषा और गणित की शिक्षा। इसमें क्या है, पहले लिखना बाद में पढ़ना सिखाया जाता है। और ये जो 3 से 7 वर्ष बताए ये मैंने केवल कर्मेंद्रियों के लिए नहीं बताया, ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ओवरऑल इन्होंने एज बताई थी। तो ये पहले यहां पर मैंने लिख दिया है, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 से 7 वर्ष ये ओवरऑल तीनों के लिए ही है, जिसमें आपका कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा और गणित की शिक्षा। भाषा और गणित की शिक्षा में बात करेंगे तो पहले लिखना और बाद में पढ़ना जो है वो सिखाया जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के अंदर आप कह सकते हैं कि लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उस पर जो अक्षर कटे रहते हैं उसमें उंगलियां फेर कर जो है वो पढ़ना, तो ये सारी एक्टिविटी इसमें आती हैं। बाकी आप और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हैं। इस टॉपिक में इतनी चीज़ें, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपका है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005, इसको समझिए। तो सबसे पहला प्रश्न, अध्यक्ष इसके कौन है, तो आप क्या कहेंगे, इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, नाम आपने अवश्य सुना होगा, प्रोफेसर यशपाल। और इसमें जो सुझाव दिए गए थे वो भाषा, गणित, विज्ञान और समाज, 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, भाषा, गणित, विज्ञान और समाज के संबंध में इसमें सुझाव जो है वो दिए गए थे। एक पॉइंट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यहाँ पर मैं साइड में लिख भी देता हूँ, राष्ट्रीय संचालन समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति ने जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है इसको प्रस्तुत किया। अब इसमें टोटल अध्याय कितने होते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है, और वो अध्याय के पांचों टोटल होते हैं 5, वो पांचों नाम आपको एकदम याद होने चाहिए क्योंकि आपको एज इट इज लिखना होगा। तो सबसे पहला आपका होता है परिप्रेक्ष्य,
देखिए इसमें भी अंदर डिटेल में है, पर मैं केवल पॉइंट आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आए तो ऐसा हो कि पॉइंट वाइज भी लिख देंगे तो इतना आपके लिए काफी होगा। दूसरा होगा आपका सीखना और ज्ञान। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी आप यहाँ पर टॉपिक 7-8 वीडियो में पढ़ रहे हैं, इन सब पर डिटेल में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। शिक्षा के क्रम से नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं डिटेल में। पर यहाँ पर हम शॉर्ट कट से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक में ही सारी चीजें देख रहे हैं। तीसरा होता है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, या कह सकते हैं स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, ये इसी में आता है। आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल के बता दे रहा हूँ। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। चौथा आपका होता है विद्यालय और कक्षा का वातावरण, किसका, विद्यालय और कक्षा का वातावरण। पांचवा आपका होता है व्यवस्थागत सुधार, पांचवा होता है आपका व्यवस्थागत सुधार। तो ये आपके पांच जो है हो जाएंगे, ये पांच क्या हैं, ये पांच आपके अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा। ये पांच क्या हैं आपके, लिख भी देता हूं मैं, चलिए अध्याय हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी, तो दो पॉइंट है। एक आपका त्रिभाषा सूत्र, उसको हम पहले बाद में जानेंगे, और सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये कि जो आपका ज्ञान था उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अब देखते हैं कोई भी चीज़ आपके टॉपिक में होती है तो आप क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं, उसके बाद एक समय आता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जिसको आप रिलेट नहीं कर पाते अपनी नॉर्मल लाइफ में कि वो यूज़ आखिर होंगी कहाँ। जैसे आप साइन कॉस टेन थीटा पढ़ रहे हैं, अब नॉर्मल लाइफ में आप उसका कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी तो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो सब पढ़ के आप साइड में करते हैं। तो मेन इसमें यही बात रखी गई थी कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, आसपास की जो वातावरण की चीज़ें आप देख रहे हैं उससे संबंधित ज्ञान हो ताकि आगे भी हेल्प हो, और कहीं ना कहीं ऐसा ज्ञान अच्छा भी है। फिर दूसरी चीज इसमें आपको याद रखना है वो है आपका त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, तो इसमें तीन प्रकार की भाषा जो है वो थी। अब कौन कौन सी तीन भाषा या त्रिभाषा यहाँ पर वर्ड लिखा है, तो कौन कौन सी आएंगी, तो सबसे पहले होती है आपकी शास्त्रीय भाषा। अब शास्त्रीय भाषा की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी भाषा है, जैसे कि आपकी संस्कृत हो गई, या आप कहेंगे अरबी भाषा हो गई, या आप कहेंगे कन्नड़ भाषा हो गई, इस टाइप से आप कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर बात की जाए राष्ट्रीय भाषा की, तब आप क्या कहेंगे, जैसे कि आपका हिंदी हो गया। फिर आप क्या कहेंगे, तीसरी आपकी त्रिभाषा है तो तीसरा आपका होगा यूरोपीय भाषा। तो यूरोपीय भाषा में आपका क्या आएगा, तो आप कहेंगे अंग्रेजी आएगा आपका। तो इस प्रकार से आपका त्रिभाषा सूत्र जो है वो इसमें था, तो पता होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से संबंधित लघु में प्रश्न आए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में बताइए, तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, पांच अध्याय बताए, अध्यक्ष कौन थे, कब आई थी, किसके संबंध में सुझाव दिए गए थे, किसने प्रस्तुत किया, और ज्ञान से बाहरी जीवन को जोड़ा गया, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, त्रिभाषा सूत्र लिख दीजिए, क्या आपका एक पेज का क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, तो बस इतनी चीजें काफी हैं। तो सारी चीजें हमने ए टू जेड बात कर ली। जनसंख्या शिक्षा वाला जो चैप्टर है उसमें हमारे चार पॉइंट रह गए, उनको हम और बात कर लेते हैं और कंप्लीट आपका कोर्स यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो सारी चीजें अगर आप कर देते हैं और बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा के संबंध में, कि जनसंख्या शिक्षा की बात अगर की जाए और आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब लागू किया गया, तो आप कहेंगे 1969। क्या कहेंगे आप, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू कब जो है वो किया गया, तो आप क्या कहेंगे 1969। दूसरा यहां से प्रश्न पूछा जाता है जनसंख्या शिक्षा के ही संबंध में,
कि जनसंख्या शिक्षा का जो प्रारंभ है वो किस प्रदेश में हुआ? तो आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र से जो है वो हुआ। ये सब आपके वन लाइन में पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका जो जनसंख्या शिक्षा है उस पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार जो है वो कब हुआ, नहीं कब नहीं कह सकते, कहाँ हुआ प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार? तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। एक प्रश्न और पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपका 1986 में जो है वो आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इन सब के बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा। वीडियो का अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जुड़ भी अवश्य जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। एक चीज ये भी मैं बताना चाहूँगा वो है लाइव टाइमिंग, वो आपकी है दोपहर के 3 बजे DLED सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और DLED सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स भी मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और यदि प्लेलिस्ट ना मिले तो आप कमेंट करके भी मुझसे मांग सकते हैं, और साथ ही फेसबुक पेज पर मैसेज भी, या फेसबुक जो ID है वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी सभी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने भेज दी थी। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संबंध में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जो घोषणा है वो किस सन में की गई थी? स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वो आपको मैंने बताया था कि जनसंख्या जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब लागू किया गया था, तो वो आपका 1969 था। पर यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी, तो 4 ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, जैसे कि आपका 1954, 1969, 1974 या 2005, और एक और ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं, 2-4 और ऑप्शन दे देते हैं ताकि और आपको कंफ्यूजन हो, जैसे कि 1975 और 1976 और नन ऑफ दीज। तो 4, 5, 6, 7 ऑप्शन मैंने चलिए दे दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन जरूरी नहीं है, ऑनलाइन में क्वेश्चन आए तो आपको सीधे रटा ही होना चाहिए। अब ऐसे है आप 4 में से गेस कर लेते हैं, तो अब मैंने और ऑप्शन बढ़ा दिए, अब इनमें से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके सभी लोग बताइएगा। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट डिवीजन का कौन सा सब्जेक्ट जो है वो हम शुरू करें, वो भी वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा कि किस सब्जेक्ट को लेकर हम फर्स्ट डिवीजन जो है वो शुरू करें। बातचीत में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।